हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी है चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स। तो चलिए, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है ये फ्रेंड्स। तो चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उनमें है बंद गोभी, गाजर, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च, उबला हुआ चिकन, दो अंडे और ब्रेड। अंडे मुझे बाइंड करने के लिए चाहिए हैं। तो ब्रेड रोल की फिलिंग तैयार करने के लिए ये मैंने दो आलू जो मैंने बॉईल कर लिए थे और बॉईल करके मैंने उनको अच्छे से पीस लिया था, उसमें मैं लूँगी बंद गोभी, गाजर, उबला हुआ चिकन, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, नमक हसबे जायका और लाल मिर्च आधा चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है और आप चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक और मिर्च जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हम ब्रेड के किनारों को जो है वो काट लेंगे। ठीक है, और बाकी भी ब्रेड हम इसी तरह ही सारे उसके स्लाइस जो हैं। जी ठीक है, और उसके बाद हमने एक बेलन की मदद से इसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ठीक है, जितना भी आप इसको कर सकती हैं। ठीक है, बस ये ख्याल रहे कि बहुत पतला ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दबी हो जाएगा। तो ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इसका हम इस तरह से एक रोल बना लेंगे। ठीक है, और वो हम इसके अंदर रख के और ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। जी, ये मैंने जो मिक्सचर बनाया है उसका इस तरह से हम रोल सा बना के तो इसके अंदर रख देंगे। और अंडा जो मैंने बताया था आपको कि हमें चाहिए, वो मैं यहाँ पे लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से अपने बाकी रोल भी जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ फ्रेंड्स। देखें, ये हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको अंडा लगा के तो फ्राई करूँगी। ठीक है, ऑयल मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है लो फ्लेम पे। जी, मैं इसी तरह से बाकी भी अपने सारे रोल जो हैं वो अंडे में डिप करके वन बाय वन मैं इसमें रखती जाती हूँ। ठीक है, और जैसे ही दोनों साइडें ये ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे।
जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये दोनों साइडों से ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इनको अब डिश आउट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मैंने ब्रेड रोल जो हैं वो दो तरह से बनाए हैं, एक मैंने आपको दिखाया अंडे के साथ, अंडे में उसको डिप करके, तो फिर मैंने इसको बनाया, देखें उसके साथ भी इसकी बहुत खूबसूरत शक्ल लग रही है, ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लग रही हैं। और ये जो है ये मैंने विदाउट अंडे के जो है वो बनाए हैं, फ्राई किए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं कि ये भी कैसे खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। इनकी स्किन जो है वो जली नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिएगा। मैंने आपके लिए आसान कर दिया, अगर आप अंडे के साथ बनाना चाहते हैं तो अंडे के साथ, अदरवाइज़ आप विदाउट अंडे भी जो है इनको फ्राई कर सकते। जी फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।